नमस्कार, दोपहर की नंबर वन डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। मुंबई के धारावी में अवैध मस्जिद पर धर्म संकट क्यों? सवाल यह भी है कि अवैध निर्माण को गिराने का मामला है तो फिर इस पर हिंदू मुसलमान ये वाली सियासत क्यों हो रही है? दरअसल कल अवैध मस्जिद को गिराने गई बीएमसी टीम को बेरंग लौटना पड़ा। अवैध मस्जिद को गिराने गई बीएमसी टीम का मुस्लिम समाज के लोगों ने विरोध किया। बड़ी संख्या में वहां लोग इकट्ठा हो गए और इतना ही नहीं, मौजूद मुस्लिम समाज के लोगों ने बीएमसी की गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी। हालांकि बाद में मस्जिद ट्रस्टियों ने अवैध निर्माण को खुद से हटाने के लिए 4 से 5 दिन का समय मांगा। ट्रस्टियों के लिखित अनुरोध को फिलहाल बीएमसी ने स्वीकार कर लिया, लेकिन बीएमसी टीम का विरोध और गाड़ियों में तोड़फोड़ पर अब सियासत तेज हो गई है। बीजेपी के नेता है नीतीश राणे और नीतीश राणे आरोप लगा रहे हैं कि इस तरह अवैध मस्जिद बनाकर शरिया लागू करने की साजिश हो रही है। तो कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव आते ही सांप्रदायिक रंग देने के लिए माहौल खराब करने की साजिश की जा रही है। धारावी में जो जिहादियों ने, जो हमारे देश में हम बार बार बोल रहे हैं कि हमारे देश में इनको शरिया कायदा लेके आना है, इनको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का, अम्बेडकर जी का संविधान मानने नहीं, उसका बहुत बड़ा उदाहरण आज लोगों ने धारावी में दिखाया। जो मस्जिद का इलीगल भाग है जिसको तोड़ने के लिए आज मुंबई महापालिका बीएमसी के अधिकारी वहां पहुंचे थे, ये जिहादियों ने उधर उसको भी तोड़ने को दिया नहीं, उसका आगे जाके बीएमसी की गाड़ियों की तोड़फोड़ की है। इस तरीके की दादागिरी यह जिहादियों को दिखानी होगी तो उनको उन्होंने पाकिस्तान में जाना चाहिए, बांग्लादेश में जाना चाहिए। हमारे मुंबई में यह दादागिरी चलेगी नहीं। या मुंबई में जब भी हिंदुओं का कुछ भी, इनको अगर किसी को रस्ते पे आने वाला कि वो फुटपाथ पे आने वाला कुछ तो, अगर मंदिर अगर बीएमसी को तोड़ना हो तो कभी भी हिंदू समाज इस तरीके का विरोध दिखाता नहीं है, हमेशा बीएमसी के साथ उनको कॉपरेट करता है। तो मतलब हिंदुओं को एक न्याय और ये जिहादियों को दूसरा न्याय, ये ऐसा चलेगा नहीं। नेक्स्ट, इस तरह की कार्रवाई होना भी नहीं चाहिए। सरकार आखिर करना क्या चाहती है महाराष्ट्र में? ऐसे जो सेंसिटिव इश्यूज हैं उनको शांति से उसको हैंडल करना चाहिए, और इस तरह से जो कार्रवाइयां हो रही हैं किसके इशारे पर हो रही हैं, कौन करवाना चाहता है? 30-30, 40-40 साल पुराने धार्मिक स्थल बने हुए हैं, उनको अचानक बीएमसी की गाड़ी और पुलिस का ताफा जाता है तोड़ने के लिए। आपका इशारा सत्ता पक्ष की हो गया? बिल्कुल सत्ता पक्ष की, सरकार की जिम्मेदारी है। चुनाव के नजरिए से ये कार्रवाई होगी? बिल्कुल, चुनाव का ही एक हिस्सा है, एक पार्ट है। अब देखिए, धारावी विवाद पर सूबे के डिप्टी सीएम हैं देवेंद्र फडणवीस, अब वो क्या कह रहे हैं चलिए सुनाते हैं आपको। ऐसा है कि या संदर्भात माननीय न्यायालयाचे निर्णय आहेत, अनधिकृत बांधकाम काढून टाकण्याच्या संदर्भात मागच्याही काळामध्ये सांगण्यात आलं होतं, त्याची कारवाई देखील बीएमसीने मागच्या काळामध्ये सुरू केली होती। त्यावेळेस अशी विनंती आली होती की ईद झाल्यानंतर हे अतिक्रमण काढण्यात येईल। आज देखील टीम त्या ठिकाणी गेली होती, त्यावेळेस त्यांनी सांगितलं आहे की पुढच्या 4-5 दिवसात आम्हीच ते अतिक्रमण काढतो, त्यामुळे ती टीम त्या ठिकाणून परत आलेली आहे। कुठल्याही परिस्थितीमध्ये लॉ अँड ऑर्डरची सिच्युएशन करून कोणी अडथळा निर्माण करेल तर ते योग्य होणार नाही। मला विश्वास आहे की त्यांनी ज्या प्रकारे बीएमसीला लेखी दिलेलं आहे त्याप्रमाणे पुढची कारवाई ते करतील। और इसी के चलते कुछ सवाल उठे हैं तो वो सवाल हम आपके सामने यहां पर रखते हैं। सवाल है कि जब अवैध निर्माण को हटाने गई टीम तो फिर इसका विरोध यहां पर क्यों किया गया? ये सुलगते सवाल है कि अवैध मस्जिद निर्माण की इजाजत आखिर किसने दे दी? बीएमसी की गाड़ियों में तोड़फोड़ कर कानून हाथ में लेकर डराने की क्या कोशिश हुई? क्या सचमुच धारावी में शरिया लागू करने की साजिश हो रही है? और अवैध मस्जिद निर्माण की इजाजत किसने दी है? बीएमसी की गाड़ियों में तोड़फोड़ कर कानून हाथ में लेकर डराने की कोशिश कौन कर रहा है? तो चलिए अब हम आपको हमारे मेहमानों से मिलवाते हैं, जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रिपोर्ट तो आपने देख ली है, आपने देख लिया किस तरह के बयान आ रहे हैं। हमारे साथ शिवराज कुलकर्णी, बीजेपी के प्रवक्ता, जुड़े हुए हैं।
हमारे साथ में कृष्णा हेगड़े जी, नेता शिवसेना के शिंदे गुट की तरफ से जुड़े हुए हैं। रमनीश वत्स जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में हैं। दानिश कुरेशी जी, AIMIM के प्रवक्ता हैं। और विक्रम यादव जी, नेता शिवसेना उद्धव ठाकरे की तरफ से हैं। और प्रेम कुमार जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी की तरफ से नीतीश राणे का हमने बयान सुना, तो शिवराज कुलकर्णी जी, महाराष्ट्र में चुनाव है, क्या इसीलिए वहां पर तनाव है? क्योंकि ये स्पष्ट कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि चुनाव आ रहे हैं, इसलिए माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। नहीं, कांग्रेस को आरोप लगाने को क्या हो रहा है? कांग्रेस इसी तरह के झूठे आरोप लगाती है। कांग्रेस हो गया उद्धव बाला साहब ठाकरे जी का गुट, हो गया शिवसेना का, और शरद पवार जी की कांग्रेस हो गई। ये इसी तरह से अनर्गल और झूठे आरोप लगाते हैं। देखिए, इस मस्जिद में जो अवैध निर्माण हुआ था उसको हटाने के आदेश ये न्यायालय ने दिए थे, ये कोई किसी हिंदू संगठन ने नहीं दिए थे। कोई हिंदू संगठन ने मोर्चा नहीं निकाला था, किसी हिंदू संगठन ने मार्च नहीं की, मोर्चा निकाल के मांग नहीं की थी। ये आदेश न्यायालय ने दिए थे। न्यायालय के आधार पर कार्रवाई करने बीएमसी का जत्था वहां पर, पथक वहां पर गया था, दस्ता वहां पर गया था, तो उनके साथ बातचीत करके बात हल हो सकती थी। लेकिन गाड़ियां तोड़ी गई वहां पर, 5-10 हजार लोगों का मॉब जमा हो गया, और वहां पर हमारे महाविकास आघाड़ी के सब नेता भी पहुंच गए, और सत्ता पक्ष को वहां पर गालियां, नारेबाजी, ये सब होने लग गया। ये क्यों हो रहा है महाराष्ट्र में? ये सत्ता पक्ष कर रहा है। देखिए भाई साहब, अभी गणेश विसर्जन के जुलूस में हर शहर में पत्थरबाजी हुई, हर जगह वो पत्थर फेंके गए। किसी महाविकास आघाड़ी के नेता ने, शरद पवार जी के पार्टी ने, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे जी के, उन्होंने खुद, या कांग्रेस ने, किसी ने भी उसका निषेध नहीं किया। ये लोग नहीं करते हैं निषेध, ये क्यों नहीं करना चाहिए? अगर गणपति मंडल के ऊपर पथराव होता है, गणेश मंडल के ऊपर पथराव होता है, उस पथराव का विरोध नहीं किया जाएगा, उल्टा गणपति मंडलों के ऊपर कार्रवाई करने की मांग की जाएगी। अच्छा, कल वहां पर बीएमसी का जत्था गया था, कोई हिंदूवादी संगठन नहीं गया था। बीएमसी का जत्था जाने के बाद वहां की मस्जिद कमेटी लिख के दे रही है कि हाँ, हमारा निर्माण अवैध है, हम निकालेंगे। इसके बावजूद वहां गाड़ियां तोड़ी जाती। मैं यही तो देखिए, शिवराज कुलकर्णी जी, मेरा सवाल यहाँ पर यही है, और बहुत ही सहजता के साथ मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब बात यहाँ पर बीएमसी की है, जब बात यहाँ पर यह है कि अवैध कब्जा किया गया और उसको हटाने की कोशिश की जा रही है, तब नीतीश राणे आके कर ये क्यों कहते हैं कि ये जिहादी ऐसा कर रहे हैं, ये जिहादी वहां पर आ गए? थोड़े शब्दों का चयन थोड़ी बहुत अब यहाँ पर समझ सकते हैं ना कि आप एक नेता हैं, आपको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, ऐसे तो माहौल खराब हो सकता है, ये मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, नीतीश राणे जी हिंदुत्ववादी कार्यकर्ता है, प्रखर हिंदुत्ववादी है, और वो सही बात कहते, कोई झूठ नहीं कहते। मैं आपको बताता हूं, परसों जो ईद हुई, उस ईद में हर जगह पर अहमद शाह अब्दाली की तस्वीरें लगाई गई। कौन था अहमद शाह अब्दाली? जिसने भारत पर 6 बार आक्रमण किया। क्यों लगाई गई तस्वीर? अब्दुल हमीद नहीं दिखता है आपको? एपीजे अब्दुल कलाम नहीं दिखते आपको? आपको उमर अल मुख्तार क्यों दिखता है? अच्छा। जो लीबिया में मुस्लिमों का नेतृत्व करता है। अच्छा। आपको फिलिस्तीन के झंडे क्यों दिखते हैं? आपको पाकिस्तान का झंडा क्यों दिखता है? मोहम्मद शहाबुद्दीन घोरी तो नहीं है? अच्छा। अफगान का सेनापति था, गुजरात पर आक्रमण किया था, पृथ्वीराज चौहान को पकड़कर लेके गया था, हम उसमें हारे थे। आपको उसमें कुछ गलत नजर नहीं आ रहा, ये आपने स्पष्ट कर दिया। अब विक्रम यादव जी बताइए क्यों इस पर राजनीति हो रही है? आपके यहाँ से भी कहा जा रहा है कि भाई क्यों पुरानी मस्जिदों को हटाया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है चुनाव में, जवाब दीजिए। हिमांशु जी, देखिए, चुनाव का जब टाइम आता है तो भाजपा ऐसे ही करती है। देखिए, इस तरीके के अवैध निर्माण की अगर बात कही जाए तो जब कंगना रनौत का अवैध कंस्ट्रक्शन का जो तोड़फोड़ हुई थी, तब तो उन्होंने मोर्चा खोल दिया था कि भाई ये किस तरीके से तोड़फोड़ की जा रही है। तब ये कहां चले गए? तब तो नीतीश राणे ने मोर्चा खोल दिया था और सरकार को क्या क्या मतलब इस आरोप लगा रहे थे जब ये लोग, तो ये दोगली बातें क्यों? जब इन्होंने क्यों सवाल उठाए थे? वो भी तो अवैध कंस्ट्रक्शन के खिलाफ कार्रवाई थी इनका। अच्छा, ये तो देखिए। अच्छा विक्रम जी, एक सवाल बीच में ये आता है कि आपने कहा कि चुनाव है इसीलिए ये सब किया जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस जी की तरफ से ये बयान आया कि संबंध में कोर्ट का फैसला है, और फैसले में अनाधिकृत निर्माण को ध्वस्त करने की बात कही गई है, तो
तो कोर्ट भी क्या चुनावों को देखते हुए फैसला सुनाता है? तो कोर्ट ने कब फैसला किया तो ये तो आप देखो ना। और दूसरा ये था कि अगर ये सब कोर्ट का फैसला तो कोर्ट का ऑर्डर तो कंगना रनौत के खिलाफ भी था, तो उस टाइम फिर ये कोर्ट का इन्होंने मान सम्मान क्यों नहीं किया? इनको तो बोलना था भाई कोर्ट के जो आदेश है कार्रवाई हो रही है ठीक है, जब इन्होंने क्यों मोर्चा खोल दिया था पूरे देश में, इन्होंने कैसे गला फाड़ फाड़ के ये माहौल बनाया कि किस तरीके से लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं। अरे भाई अवैध कोई कोर्ट का फैसला नहीं था, शासन का निर्णय था, डीएमसी का निर्णय था, कोर्ट के नोटिस दिए गए थे कितनी बार था कोर्ट के नोटिस। अरे कंगना रनौत की बात अभी नहीं चल रही है, आज 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 एक बहुत अहम बात सुनिए ना, मैं कंगना रनौत की बात ही नहीं करना चाहता, मैं कंगना रनौत की बात ही नहीं करना चाहता, क्यों नहीं करना चाहता? आज का मुद्दा आप समझिए बहुत गंभीर क्यों है सर, प्लीज। कुलकर्णी साहब और यादव जी, कुलकर्णी साहब और यादव जी, आज का मुद्दा आप समझिए कि बेहद गंभीर क्यों है। बाबा साहब ठाकरे का निर्णय था, आपने उखाड़ दिया करके नेक। अरे एक सुनिए 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 यादव जी और कुलकर्णी जी, आज का मुद्दा आप समझिए गंभीर क्यों है, और आज 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 कंगना रनौत की बात ही नहीं आती। एक मिनट प्लीज, आज का मुद्दा गंभीर इसीलिए है क्योंकि अवैध कब्जे वाली जगह अनाधिकृत जो वहां पर निर्माण था उसको हटाने के लिए बीएमसी की टीम जाती है तो वहां पर पथराव हो जाता है, गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी जाती है और फिर हिंदू मुसलमान वाला एंगल आ जाता है, ये माहौल खराब कर सकता है और ये बहुत चिंता वाली बात है, इसीलिए ये मुद्दा है। यहां पर कंगना की बात नहीं हो रही है। दानिश कुरैशी जी, बीएमसी की टीम पर जिस तरह से पथराव हुआ, तोड़फोड़ हुई, इसका समर्थन करते हैं आप क्या और क्यों हुआ ये? देखिए मैं आपको एक बात कहूं, इस पूरे मामले में आप दो चीजें समझिए, एक तो वहां बीएमसी ने जो कार्रवाई की है उस पर क्या आधार क्या बना रहा है, बनाया जा रहा है कि वो अवैध है। अब मुझे ये बता दीजिए कि पूरा धारा भी जो है वो वैध है, अकेली एक मस्जिद अवैध है, ये बीएमसी के कहने का मतलब ये निकल के आता है। अरे भाई साहब पूरी धारा भी जो है वो गरीब गुरबा बस्ती है, आम आवाम की, आम नागरिकों की, उसमें आपको इतनी बड़ी आबादी में सिर्फ एक मस्जिद दिखाई पड़ती है तो फिर समझ में नहीं आता नहीं, कि तो मस्जिद का मामला जो, मतलब जो मस्जिद के लोग हैं उन्होंने माना है ना इसको कि वो अवैध है, अनाधिकृत है, 90 फीट रोड पर जो बनी है। मैंने आपको ये कहा कि मैं वही तो कह रहा हूं ना कि बाकी की सारी धारा भी वैध है। अच्छा तो वहां पर अगर लोग रह रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं कि अगर मस्जिद हट रही है तो सबके घर वहां पर हटा दिए जाए? मैं यही तो पूछ रहा हूँ ना कि अगर अवैध की बात है तो आपको सिर्फ सुपर अवैध एक मस्जिद नजर आई, अगर अवैध की बात है तो और कुछ नजर नहीं आया, तो ये जो मानसिकता जो है ना भारतीय जनता पार्टी की और उसके अलायंस की सरकार की, ये सबके सामने नजर आती है। तो ये भी कहा जा सकता है कि आपकी भी वही मस्जिद वाली की सिर्फ मस्जिद नजर आई, सिर्फ मस्जिद की कब्जे वाली बात हो रही है, और इसमें शायद कृष्णा हेगड़े जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, इसमें कुछ जवाब देना चाह रहे हैं, प्लीज कृष्णा जी प्लीज बोलिए। विनायक जी देखिए ये कोई रिलीजियस मसला नहीं है, कोई हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है, कि अगर मसला है तो अवैध बांधकाम का मसला है, अनधिकृत बांधकाम का मसला है। और ऐसा नहीं है कि हमने ये नोटिस दिया है, बीएमसी ने अगर नोटिस दिया है तो ट्रस्टी ने कहा कि हम लिखित दे रहे हैं कि हम जो अवैध बांधकाम है उसको हटा देंगे, उसके बावजूद जब हटाए नहीं गए तो बीएमसी वहां गए लेकिन उनको रोक दिया गया और बीएमसी के जो व्हीकल है उसको जला दिया गया, तो तोड़ दिया गया। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पहली बार नहीं हो रही है, कांग्रेस का जब कार्यकाल था तो रस्ते पे क्रॉस और मंदिर थे उसको भी कांग्रेस ने नोटिस दिया था और उसके ऊपर कार्रवाई की गई थी। उद्धव ठाकरे जी का जब कार्यकाल था 30 साल बीएमसी में, उन्होंने भी बहुत सारे मंदिरों को और क्रॉसेस को जो है नोटिस देके उनको भी तुड़ा दिया था और उनके ऊपर भी कार्रवाई की गई थी। तो ये कोई हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है, ये एक रंग देने की नहीं, तो ये तो कह रहे हैं ना, चाहे AIMIM हो या विक्रम यादव हो, ये खुलकर कह रहे हैं कि आपको सिर्फ मस्जिद नजर आती है, आपको सिर्फ मुसलमान नजर आते हैं, चुनाव है इसीलिए। देखिए स्वाभाविक है कि MIM को नीतीश रानी नजर आएंगे लेकिन उनको असउद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी तो नजर नहीं आएंगे, तो उन लोग ऐसा भाषा नहीं वापरते क्या? उन लोग भी तो ऐसा ही भाषा वापरते हैं, लेकिन उनको क्यों नहीं रोकते ये लोग, क्योंकि ये उनके पार्टी के नेता है, इसके लिए वो रोक भी नहीं सकते उनको कि ऐसा भाषा मत करो। दूसरी बात यह है कि कंगना रनौत का जो है बीएमसी ने नोटिस दिया था और उनका जो स्ट्रक्चर है वो तोड़ दिया था। ऐसा नहीं है कि उनको बख्शा गया या उनको छोड़ दिया गया, उद्धव ठाकरे जी ने बिना नोटिस का कंगना रनौत के स्ट्रक्चर को तोड़ दिया था, वो भी आप जरा ध्यान रखिए। तीसरी बात यह है कि देखिये यहाँ पर जो पॉलिटिक्स
इन लोग कर रहे हैं, अगर अनधिकृत बांधकाम है या अवैध बांधकाम है तो आप ही बोलिएगा, जनता विचार करेगी कि टूटना चाहिए क्या नहीं। और ट्रस्टी ने जब लिखित दे दिया कि हमने एक एक्स्ट्रा फ्लोर बांधा है वहां पर और हमको अभी हम वो खुद तोड़ेंगे, तो जो ट्रस्टीज है वहां के मस्जिद के या मदरसा के, उनको खुद को कार्रवाई करनी चाहिए वहां। हाँ, उन्होंने खुद बोला भी 4-5 दिन में हो जाएगा, लेकिन फिर भी हिंदू मुस्लिम क्यों हो रहा है, ये बड़ा सवाल है ना। तो प्रेम कुमार जी राजनीतिक विश्लेषक है हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ में। प्रेम कुमार जी, वो करना चाहते अवैध कब्जे का घमासान था तो हिंदू मुसलमान कहां से आ गया, क्यों आ गया? हिमांशु जी देखिए, जब एक वार्ता हो चुकी है कि 4-5 दिनों में मस्जिद कमेटी खुद ही अपना फैसला करेगी, तो इस मसले को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने का ये रास्ता होता है। ये पहले भी हो सकता था, मान लीजिए बाद में भी हो रहा है तो भी संतोषजनक बात है। तो इस मामले को तो अब समझना चाहिए कि ये खत्म हो रहा है शांतिपूर्ण तरीके से। लेकिन इस पर जो एक बात, जैसे अभी आप नीतीश राणे जी का बयान सुना रहे थे, तो नीतीश राणे जी का बयान हेट स्पीच की कैटेगरी में आता है और इस स्पीच को बीप लगा करके कम से कम दिखाया जाना चाहिए, मेरा मत है एक पत्रकार होने के नाते। तो ये मर्यादा टूट रही है। एक दूसरा प्रश्न भी आया कि दूसरे लोग भी बोलते हैं ऐसा, नसीम खान कांग्रेस के पहुंचे थे, वो भी पहुंचे थे। हाँ, मैं कह रहा हूँ दूसरे लोग भी ऐसा बोलते हैं हेट स्पीच, तो हेट स्पीच पर एक्शन कौन लेगा? सरकार लेगी ना, संस्थान लेगी ना। क्यों ऐसे लगातार हेट स्पीच हो रहे हैं और कोई एक्शन नहीं हो रहा? हेट स्पीच होंगे तो सामुदायिक समरसता तो खत्म होगी कि नहीं होगी, ये बड़ा सवाल है। ये मस्जिद तोड़ने से ज्यादा खतरनाक है इस घटना, मस्जिद को अतिक्रमण बोलते हुए मैं कह रहा हूं। तो हाँ, अवैध अतिक्रमण करते हुए बोल रहा हूं, उसको तोड़ने से ज्यादा खतरनाक है कि हेट स्पीच को बढ़ावा दिया जाए। मैं सोचता हूँ कि हेट स्पीच पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए जैसे अतिक्रमण पर हो रही है। अच्छा ठीक है, रमनीश जी बताइए। अभी प्रेम कुमार जी ने सबसे पहली बात कही कि मस्जिद कमेटी फैसला लेगी। मस्जिद कमेटी क्या ये फैसला लेगी कि वो अवैध है? 90 फिटा रोड है धाराबी में, वहाँ पे अवैध तरीके से निर्माण हुआ। और निर्माण देखिए, सबसे पहली बात है वक्फ बोर्ड, जब सुनिए सबसे पहली बात है कि कांग्रेस के पेट में, मैं देख रहा हूँ कांग्रेस के पेट में दर्द होना शुरू हो गया और वर्षा गायकवाड़ जो वहाँ की सांसद हैं उन्होंने विरोध करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन इसके पहले उन्होंने तथ्यों के ऊपर तो गई नहीं कि हाँ वो वैध है या अवैध है। यदि अवैध है तो मुझे लगता है उनको साथ देना चाहिए, लेकिन वो साथ नहीं दे सकते हैं क्योंकि वर्ष 1995 में कांग्रेस पार्टी ने ऑलरेडी वक्फ बोर्ड को मजबूती प्रदान करी। और अवैध तरीके से आप देखिए, चाहे लाल किला की बात करें, पीएम आवास की बात करें, दिल्ली में अभी कुछ दिन पहले 6 मंदिर जो है उस पर वक्फ बोर्ड ने नोटिस भेज दिया कि वो वक्फ बोर्ड की जमीन है। तो ऐसी जो है इस तरह की चीजें, 1984 में खुद राजीव गांधी ने पंजाब और हरियाणा में 1000 एकड़ जमीन जो है उसको वक्फ बोर्ड को सुपुर्द कर दिया था। तो आज ये धारावी की घटना प्रकाश में आ जाता है तब ये सामने आता है। लेकिन ऐसे देश भर में कई ऐसे चौल साम्राज्य में जो ऐसे मंदिर थे उस पर भी वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया है। गोविंदपुर एक बिहार में एक गांव है, पूरे गांव को नोटिस चला गया कि वो वक्फ बोर्ड की। तो मस्जिद कमेटी क्या वो इस तरह के भी फैसला ले सकती है? बिल्कुल भी नहीं ले सकती। रमनीश जी समझिए ना, इसमें बात वो है नहीं। सुनिए रमनीश जी, सुनिए ना, इसमें वो बात है ही नहीं। जो मस्जिद के जो ट्रस्टी थे, जो लोग थे, उन्होंने खुद ने माना कि हाँ भैया है, उसको हम 4-5 दिन में हटा देंगे। उन्होंने खुद ने माना, फिर इस पर हंगामा क्यों? बिल्कुल सही कहा आपने। यदि ऐसा ही फैसला मस्जिद कमेटी लिया करती तो मुझे नहीं लगता है कि रेलवे सेना के बाद सबसे ज्यादा वक्फ बोर्ड की जमीन होती। और सबसे बड़ी बात है, वक्फ बोर्ड की जमीन जो है वो मस्जिद कमेटी से भी जुड़ा हुआ है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं हिमांशु जी, इस प्रश्न का आप ही जवाब दे दें मुझे। आप ही जवाब दे दें कि वक्फ बोर्ड की जमीन कही जाती है वो अल्लाह की संपत्ति है, वो मजलूम की संपत्ति है, वो जरूरतमंद की संपत्ति है। तो वो जरूरतमंद जो है, आज जो अशिक्षित और बेरोजगार जो घूम रहे हैं मुसलमानों में, ऐसे करोड़ों लोगों की तादाद है, उन लोगों को वो जमीन मिलती नहीं है। मुझे लगता है यदि नहीं, ये सब जो ये साजिश है वक्फ बोर्ड नहीं है, वक्फ बोर्ड ये मिनी पाकिस्तान बनाना चाहता है। और दूसरी बात है, अभी मैं आपको 10 सेकंड और लेना चाहूंगा हिमांशु जी। अभी मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में 1.21 लाख यानी कि 21
121,000 जो संपत्ति है उसमें से 112,000 जो अवैध संपत्ति है वो इस बात को किसने माना है? खुद असदुद्दीन ओवैसी ने माना है। असदुद्दीन ओवैसी नहीं, असदुद्दीन ओवैसी ने इस बात को खुद माना है। तो मैं कहना चाहता हूं मस्जिद कमेटी किसी भी तरह का इस फैसला लेने में मुझे लगता है कतई वो इस तरह का फैसला नहीं ले सकती। मस्जिद कमेटी फैसला लेती तो दुर्गा पंडाल आज सामाजिक समरसता की बात जो कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं दुर्गा पंडाल की बात हो या गणेश विसर्जन कौन करता है? आपकी बात सुनिए शिवराज कुलकर्णी जी, वक्फ वाला मुद्दा अलग है, उस पर हम एक अलग से चर्चा कर सकते हैं, लेकिन जब यहाँ पर मस्जिद वाले लोगों ने मान लिया कि हमारा अवैध कब्जा है और हम 4-5 दिन में इसे हटा लेंगे, वहां पर तोड़फोड़ पथराव होता है, ये गलत है। लेकिन जब ये कहा जाता है कि यहाँ पर शरिया लागू करने की कोशिश हो रही है, जब यहाँ पर ये कहा जाता है कि यहाँ एक अलग ही संविधान लागू करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, तो ये माहौल बढ़ नहीं जाता, तनाव नहीं पैदा हो जाता? नहीं, देखिए बिल्कुल आपकी बात सही है, जो भी धारावी में हुआ वो किसी हिंदू संगठन ने किया क्या? हाँ, नहीं किया। सही है। अगर मस्जिद को मालूम है कि हमारा निर्माण अवैध है, देखो हमारे कोई मित्र वहां पर दलील दे रहे थे कि पूरी धारावी अवैध है। हाँ बिल्कुल अवैध है, किस तरह से अवैध है वो भी हमको मालूम है, वहां सब ढूंढना चाहिए कौन कौन कहां से आके बसा हुआ है, उसमें भी प्रॉब्लम है। लेकिन इसके बावजूद भी धारावी का पुनर्निर्माण होने वाला है, उसका पूरा प्लान तैयार हुआ है। वो धारावी का पुनर्निर्माण अलग बात है, लोगों को घर मिलेंगे, उसका काम शुरू हुआ है, उसके लिए जगह का अधिग्रहण हुआ है, वो सब काम हो रहा है। ये नहीं बताते आप कि वहां पर अवैध रूप से बसे हुए लोगों को यही सरकार घर दे रही है। लेकिन बात जब मस्जिद की और मस्जिद की कमेटी कबूल कर रही है कि हमारा अवैध निर्माण हम हटाएंगे, एक बार नहीं, इसके पूर्व भी ये कार्रवाई का सिलसिला चालू हुआ था, उस समय भी ऐसी विनती की गई कि इसके बाद कार्रवाई करो। तो ये मस्जिद कमेटी के लोग सामने बीएमसी ने मान भी लिया, चलिए ठीक है बीएमसी ने मान भी लिया, यहाँ पर आप देखिए कि अच्छे तरीके से एक सुझाव निकालने की कोशिश होती है, लेकिन पथराव की क्या जरूरत थी, तोड़फोड़ की क्या जरूरत थी? हाँ जी बोलिए। उसी ऊपर आ रहा हूँ 10 सेकंड में, इसके बावजूद मस्जिद कमेटी ने वहां पर लोग क्यों जमा किए? यही तो मैं पूछ रहा हूँ दानिश जी, बताइए ना अचानक ये पथराव क्यों शुरू हो जाता है? जब समस्या का समाधान निकाला जा सकता है, वहां पर बीएमसी भी तैयार हो गई, तो ये पथराव क्यों? और हिमांशु जी अच्छा कुलकर्णी जी, दानिश कुरैशी मेरा नाम है, कुलकर्णी जी दानिश जी, कुलकर्णी जी एक मिनट वक्त कम, दस सेकंड और जिस वर्षा, अच्छा चलिए बोलिए, आज जिस वर्षा गायकवाड़ की आप बात कर रहे हो, उस वर्षा गायकवाड़ का इसी बस्ती में सत्कार हुआ, उसमें वहां के मुस्लिम नेता का भाषण है। ओके ओके दानिश जी बताइए, जब मामला बातचीत से समाधान हो रहा था, फिर पत्थरबाजी वगैरह क्यों? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कुलकर्णी जी ने एक बात कबूल कर ली और वो ये बात कही कि पूरी बस्ती जो है वो अवैध है और हम उसको रीडेवलपमेंट में ले जा रहे हैं। अब आप समझिए क्या कॉन्स्पिरेसी क्या है भारतीय जनता पार्टी की, शिवसेना की, या शिवसेना की दूसरी जो गुट है उसकी, या और ये तमाम लोगों ये जो सारे एक तरफ बैठे हैं ना, ये सारा खेल इसी का है। मुझे ये बताइए कि जब चीज अवैध है, सुनिए, अगर कोई चीज अवैध है तो वो पूरी अवैध है, चाहे बस्ती हो चाहे मस्जिद हो। तो अब प्रॉब्लम ये है कि उस सर्वे में एक फ्लोर इनको ज्यादा ना मिल जाए मुसलमानों के लिए, इसके लिए सारी कॉन्स्पिरेसी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो क्या ये जायज है? अच्छा न्यायालय ने बताया, न्यायालय ने, ये क्या बात कर रहे हो? ये आदेश न्यायालय का है, ये इस तरह। अरे मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, सुनिए, अरे मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि बात सुनिए, अभी आपने क्या कहा, सुनिए सुनिए, अरे कुलकर्णी जी सुनिए, अभी आपने ये कहा, नहीं ये तो माना ना कि न्यायालय का है, कोर्ट का है, आपने कहा हम रीडेवलपमेंट में ले जा रहे हैं, आपने कहा, मैं ये कह रहा हूँ, सुनिए कुलकर्णी जी 10 सेकंड, कुलकर्णी जी 10 सेकंड सुनिए, आप मुझे ये बताइए, विक्रम यादव जी 1 मिनट, विक्रम यादव जी जल्दी से बताइएगा क्या आप सपोर्ट करते हैं जो दानिश कुरैशी जी कह रहे हैं? विक्रम यादव मस्जिद बोल रही है कि हमारा अवैध निर्माण है, उनकी जांच करेंगे, पत्थरबाजी जिन्होंने की है ना, नहीं कर रहे, जिन्होंने पत्थरबाजी की है उनकी जांच करेंगे, कौन है वो लोग, वो देखना कौन लोग निकलेंगे, जैसे कर्नाटक में अभी पत्थरबाजी करी थी, कौन लोग निकले थे,
उद्धव भीड़ यहाँ पर जुटाई गई, पत्थरबाजी हुई, तो ये आप बोल रहे हैं कि ये बीजेपी वाले या फिर बाहर के लोग थे? इनको पता होगा, इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए पहले, अपने आप पता चल जाएगा कौन लोग हैं। अच्छा, लेकिन अगर जो अवैध है कोर्ट का फैसला है उस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, आप मानते हैं ये? कोर्ट कोर्ट का अगर कोई चीज है, कोर्ट के फैसले के मुताबिक कोई चीज है, ठीक है, उसको होना चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूँ गड़बड़ फैला रहे हैं, इन लोगों की इंक्वायरी करनी चाहिए। ठीक है, ये धर्म संकट दूर होगा? प्रेम कुमार जी 30 सेकंड में बताइएगा प्लीज, धर्म संकट दूर होगा ये? अब देखिए, चुनाव तक ये संकट बढ़ने वाला है, क्योंकि इसमें इल इंटेंशन काम करते हैं, और भाई अतिक्रमण की और भी बहुत सारी घटनाएं हैं, लेकिन सुविधा अनुसार किसी मुद्दे आप ये कह रहे हैं कि सुविधा अनुसार चिन्हित किया जाता है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।